नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां गोकुल धाम में काशी क्षेत्र के 16 जिलों के सांसद विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक आने वाले पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बैठक में टॉप टू बॉटम स्तर के नेताओं को बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और हमारा कब्जा होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, जिसका हम सभी लोग पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और उससे भी अधिक विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। मंत्री बन गए हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और अब पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि आपके जो ग्रामीण अंचल के जो ग्राम जनसभा है वहां पर आपको विजय हासिल करानी है, तो किस तरह की तैयारी है? पंचायत चुनाव को फतेह करने के लिए पार्टी संगठन ने भी और हम सभी लोगों ने जबरदस्त तैयारी किया है। पंचायत चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और पंचायतों पर हम कब्जा करेंगे। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है, परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। उनका जो भी आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम इसी तरीके से आसमान की बुलंदियों को छूता रहे, उसके लिए रात दिन मेहनत और परिश्रम करेंगे। 2022 का फाइनल मानते हैं आप पंचायत चुनाव? अब इसको जिसको जो मानना हो माने, हम लोगों ने इस चुनाव को पूरी तरीके से गंभीरता से लिया है और बहुत गंभीरता के साथ हम लोग इसको लड़ेंगे। इस मीटिंग में क्या 2022 के चुनाव को लेकर भी रणनीति बन रही है, चर्चा में ली आप लोगों को, क्या टिप्स मिलेंगे रणनीति? अब जो भी है, पंचायत चुनाव भी है, बात 2022 जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हैं, विकास खंड के प्रमुखों के भी चुनाव हैं, विधान परिषद के भी कुछ चुनाव आएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव भी आ ही रहे हैं। हम तो चुनावी वर्ष में चल ही रहे हैं, तो हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग तो उम्मीद करते हैं, और कैसे बेहतर हम जनता की सेवा कर सकते हैं, संगठन हमारा और कैसे किस तरह से मजबूत हो सकता है, हम कैसे एक दूसरे से समन्वय स्थापित करेंगे, इस दिशा में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलता है तो हम लोगों का सौभाग्य अच्छी बात है।